ये देखिए गाइस कितने ज़ोर से अभी ना बारिश हो रहा है। हवा भी बहुत तेज़ हो रहा है और अभी थोड़ा सा हवा कम हुआ है लेकिन बहुत ज़ोर से हो रहा था। मेरे कुछ गमले हैं ना, बिल्कुल हवा उसे नीचे गिरा दिया है। ये बारिश रुकने के बाद ना उसे हम ठीक करेंगे। ये देखिए, लेकिन थोड़ा सा गर्मी से राहत मिला तो अच्छा लगता है। ये देखिए, ये छत से पानी गिर रहा है और ये ऊपर देखिए गाइस पूरा आसमान कवर करके रखा है। ये जो क्लाउड है ना, पता नहीं कब तक होगा। और ये देखिए हमारा जो पीछे लगा है ना बनाना का प्लांट, इसका हाल देखिए। 2-3 प्लांट ना थोड़ा सा झुक गए हैं, उसमें फ्रूट्स आए हैं, कहीं नीचे ना गिर जाए तो बहुत आफत आ जाएगी। एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आफ्टरनून का 4:30 बज गया है और आज दोपहर से बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। अभी भी बाहर देखिए थोड़ा थोड़ा बूंदे गिर रहे हैं और बिजली भी कड़क रही है। तो बारिश होने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और आज ना वेदर बहुत अच्छा है, काफ़ी सुहाना मौसम है, बहुत ही ठंडा लग रहा है। तो अभी जाऊंगी चाय बनाऊंगी क्योंकि ऐसे वेदर में चाय पीने को बहुत मन करता है। और वैसे तो मैं हमेशा आफ्टरनून में चाय ही पीती हूँ लेकिन आज का वेदर ना बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं और मेरा बेटा ना बैठ के ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, उसका अभी क्लासेस चल रही है। तो मैं जाऊंगी अभी थोड़ा सा चाय बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड को उठाऊंगी, तो हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे। तो चलिए गाइस, और घर में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। मैं सारे घर के जो खिड़की और दरवाजे थे ना सारे को बंद कर दिया है क्योंकि बाहर से इतने ज़ोर से हवा चल रहा था ना, बाहर से इतने सारे धूल घर के अंदर आ रहे थे, तो इसलिए मैं खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिया था। और खिड़की के नीचे से होकर पानी ना घर के अंदर चला आया था तो मैं उसे भी साफ किया। तो चलिए गाइस, मैं अभी चाय बना लेती हूँ। और देखिए सारे घर के लाइट्स ना बंद करके रखा है। और बारिश से पहले ना मैं सारे जो बिजली की जो कनेक्शन है ना सारे को हटा देती हूँ, प्लग निकाल देती हूँ क्योंकि डर रहता है कहीं बिजली कड़कने से ये सारी चीज़ें खराब ना हो जाए, तो इस वजह से मैं सारी चीज़ों को हटा देती हूँ। तो चलेगा, इसमें पहले थोड़ा सा चाय बनाऊंगी, उसके बाद मेरे हस्बैंड को उठाऊंगी। और यहाँ देखिए सिंक के अंदर जो लॉन्च के बर्तन है ना, वो अभी भी है, इसे भी साफ करना पड़ेगा। चाय पीने के बाद बर्तन वगैरह को साफ कर दिया था, उसे अपने सही जगह में रख लिया है। और ये कुछ सब्जी को मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, इन्हें भी साफ करके यहाँ रख दिया है। ये अच्छे से सूख जाने के बाद इन्हें फ्रीज में स्टोर करके रख दूंगी। और ये देखिए, ये कुछ उड़द दाल और चावल को मैं सुबह से भिगो दिया था, तो इसे अभी साफ कर दिया है। तो बैटर अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा साल लेके कपड़े चेंज करूंगी, उसके बाद ये बैटर बनाऊंगी और दियावती भी करूंगी। क्योंकि ये सारे सब्जी को धोने के बाद ना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे बाहर की चीजें हैं, तो थोड़ा सा साफ सुथरा अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल का सिचुएशन आप सबको पता है कि साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं जाऊंगी, पहले अच्छे से साल लेके ड्रेस चेंज करूंगी, उसके बाद ये बैटर बनाऊंगी, दियावती करूंगी और इवनिंग के खाने के लिए कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो नहीं सोचा है क्या बनाऊंगी, तो उससे पहले ना मैं घर को थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि जो बारिश हुई थी ना, थोड़ा बहुत धूल घर के अंदर भी आ गया था हवा की वजह से, तो मैं पहले घर को झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद जाऊंगी साल लेके फ्रेश होके आऊंगी और उसके बाद बाकी सारे काम करूंगी। तो गाइस, अभी ना इवनिंग का 6:30 बज गया है और मैं अपना दियावती भी ख़त्म कर लिया है। और अभी हस्बैंड से पूछूंगी कि वो क्या खाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो मूंगफली है ना, उसे थोड़ा सा फ्राई करने के लिए। मेरी मम्मी है ना, मूंगफली भेजा था, बहुत दिन हो गया गांव से, तो 2-4 बार मैंने इसे फ्राई किया था और ये अभी थोड़ा सा बाकी है, इसे मैं अभी फ्राई करूंगी। और आज तो क्लाउडी वेदर है ना, मूंगफली अच्छा लगेगा खाने में और उसके साथ मुरमुरे। मेरे हस्बैंड को ना काफ़ी पसंद है मुरमुरे के साथ मूंगफली, तो उनके लिए मैं अभी ये फ्राई करूँगी। और ये देखिए गाइस, गर्मी के वजह से ना मेरा यहाँ बिन बुलाए मेहमान, ये दाग तो आज तक ठीक नहीं हुआ है। जो आम की जो लिक्विड है ना, यहाँ गिरा था, तो ये वाइट वाइट दिख रहा है और ऊपर से ये बिन बुलाए मेहमान। तो चलिए गाइस, मैं मूंगफली को फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ये सारे जो वेजिटेबल्स है ना, ये सूख गए हैं, इसमें से पानी अच्छे से सूख गया है, तो मैं इसे फ्रीज में स्टोर करके रखूँगी। और जो चावल और उड़द दाल को भिगोया था ना, उसका बैटर बनाऊँगी। तो ये सारे काम करने के बाद मैं डिनर की तैयारियां भी करूँगी। तो चलिए, मैं यहाँ मूंगफली को पहले कढ़ाई में चढ़ा लेती हूँ, उसके बीच में ये सारे काम भी कर लूँगी। मूंगफली फ्राई होने के लिए 10-15 मिनट लगेगा, लो फ्लेम में 10-15 मिनट या ज़्यादा लगेगा, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बीच ना मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। गाइज, रात का 9 बज गया है और मैं कुछ अपना एडिटिंग का काम कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और मैं अभी अपना डिनर फटाफट बना लेती हूँ और डिनर बनाते बनाते 10 बज जाएगा क्योंकि आज मैं बनाऊँगी रोटी के साथ चिल्ली चिकन। तो चिल्ली चिकन बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं चिकन को पहले से ही मैरिनेशन करके फ्रिज में रख दिया है। और ये देखिए आटा को यहाँ गूंथ के रख लिया है। और ये देखिए ये डोसा की बैटर, इसे आज रात भर ना मैं बाहर रखूंगी, फ्रिज में नहीं रखूंगी। ये सुबह तक अच्छे से फूल जाएगा तो डोसा अच्छा बनेगा। तो मैं इसे रात भर यही बाहर रखूंगी रूम टेम्परेचर में। और यहाँ देखिए मैं चिली चिकन बनाने के लिए थोड़ा सा कैप्सिकम और प्याज को निकाल के रखा है, इसे कट करूंगी। तो मैं यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है चिकन को फ्राई करने के लिए। ज़्यादा तेल नहीं लिया है क्योंकि मैं चिकन को डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। इस तरह से ही चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो चिकन को मैरिनेशन करने के लिए मैं उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, थोड़ा सा कर्ड डाला था और सारे रेगुलर के पाउडर मसाले डाले थे जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली का पाउडर। और उसमें कुछ गरम मसाला भी ऐड किया था और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाला था। और उसमें एक अंडा डाला था और कुछ कॉर्नफ्लोर भी डाला था और सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर दिया था और उसे 2-4 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था। और मेरा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो गया था। तो मैं सारे चिकन को फ्राई कर लिया है और उसी तेल में मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक को भी डाल दिया है और कटा हुआ प्याज और कैप्सिकम को भी डाल दिया है। उसे हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ा सा सोया सॉस और उसमें थोड़ा सा विनेगर भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैं उसमें थोड़ा सा ग्रेवी लाने के लिए थोड़ा सा पानी में कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके यहाँ डाल दिया है। तो ये देखिए थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो मैं इसमें थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर भी डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें फ्राई किया हुआ चिकन को भी डाल दूँगी। तो इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें सारी रेगुलर की पाउडर मसाला भी ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पहले डाल दिया है थोड़ा सा रेड चिली का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। तो सारी मसाला को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि चिकन के अंदर ये जो मसाला की फ्लेवर है ना अच्छे से जा पाएगा। और लास्टली मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर। और आप सबके पास अगर धनिया के पत्ते हो तो आप सब ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं था इसलिए ऐड नहीं किया। तो फाइनली मेरा चिली चिकन बनकर रेडी हो गया है। अभी हम सब मिलकर डिनर करेंगे। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो को मैं ही पेंट कर लेती हूँ। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।